अमेजिंग इंजीनियर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास दो मार्का हैं, NSB निहाल सिंह भट्टा एंड RD राम भट्टा। दोनों एक नंबर क्वालिटी के ब्रिक्स हैं। साइज़ सबका सेम है, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है। NSB की जो ब्रिक्स हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो साइज़ है वही साइज़ आपको मिलेगा। RD का भी सेम साइज़ मिलेगा। अब करते हैं क्वालिटी की चेक। तो यहाँ पर हमारे पास मिस्त्री चेक करके बताएंगे। तो ये है हमारा RD की ब्रिक्स है। ओ ये देखिए टूट गई। ये मेरा इंजीनियरिंग का तरीका है किसी भी ईंट को चेक करने का। बाकी सिंपल तरीके भी होते हैं। और ये है NSB की ब्रिक। ये देखिए उछल के साइड में गिर गई, टूटी नहीं। तो यही थोड़ा सा अंतर होता है एक इंजीनियर के पास काम करवाने का और एक नॉर्मल ठेकेदार से काम करवाने का। हम क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं करते। अब दूसरा टेस्ट होएगा मेटलिक साउंड का। तो मिस्त्री चेक करके बता दो मेटेलिक साउंड का। ये देखो साइज़ दोनों का सेम है, नहीं थोड़ा छोटा है। देखिए कहीं यहाँ से साइज़ एक का बड़ा है, एक का छोटा है। अब बजा के दिखा दो, यानी साउंड टेस्ट। तो ये आपने देखा साउंड टेस्ट। अब हम NSB का साउंड टेस्ट करवाएंगे। तो ये देखिए इसके अंदर जो साउंड है वो टन है, यानी दो मेटलिक मटेरियल को हम बजा रहे हैं। तो बिल्कुल जैसी साउंड आनी चाहिए वैसी आती है। इसके अंदर भी साउंड सेम है जो एक दो मेटलिक मटेरियल को मिलाने पे आती है, बट उसके अंदर हल्का सा बिल्कुल नाजुक सा फ़र्क है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे बीच में दो मेटल के बीच में या तो कोई मटेरियल हो जो उनको भिड़ने से रोक रहा हो। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि हमारी ब्रिक की क्वालिटी क्या है। NSB की क्वालिटी हमें RD की क्वालिटी से ज़्यादा बेहतर लगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ देखते रहिए। और जो भी फ्रेशर्स हैं और या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में या डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जब भी कोई साइट इंजीनियर या फ्रेशर साइट पे जाए तो उसे इन बातों के बारे में पता हो और उसको लोगों के सामने शर्मिंदगी का मौका ना उठाना पड़े।